अपने दाने सारे पूरे ने। माशाल्लाह नसीम भाई अपने वाले साहब के साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वाइब इमाम भाई, आज की वाइब क्या है? आज की वाइब ये है कि हम क्लॉक टावर में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने ऊपर जी। मक्का में जो सबसे बेहतरीन होटल माना जाता है, खूबसूरत जगहों में से एक है वहाँ पे नमाज, क्योंकि उससे हरम और सारा जो काबा का है व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ने आसानी की है तो हम जा रहे हैं सारे अजीबो गरीब गेटअप करके सारे। सो वाइब ये है मक्का का क्लॉक टावर के टॉप से, जहाँ से हरम नज़र आता है, खाना काबा नज़र आता है सारा, वहाँ पर हम नमाज अदा करेंगे। तो ये वाइब देखिए, अब मैं आपको पास के होगा गेटअप दिखाता हूँ। असद भाई कैसे हो आप? ठीक हो? हमजा भाई, बॉब जी, कार भाई, उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब जो बाकी होटल्स है ना, वो उनकी शटल जिन्हें बस की सूरत में ना यहाँ पर उतारती है, और यहाँ से हम जाते हैं पैदल पैदल। यहाँ पर साथ साथ मैं दिखाता हूँ क्लॉक टावर की तरफ, वो क्या, हाँ ये क्लॉक टावर की ये वाली साइड है, हमने इसके टॉप पर जाना है। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? माशाल्लाह नसीम भाई अपने वाले साहब के साथ आए हैं, बहुत ही और हमसे ज़्यादा माशाल्लाह स्पीड से इन्होंने उम्रा अदा किया, और हम शायद बहुत पीछे रह गए थे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से चलकर ये थोड़ी स्टेज चढ़नी पड़ती है, और ये सामने का मंजर देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ अंदर खाना काबा है, इसकी कुछ वॉल्स आपको शायद दिख रही हो, वहाँ पर है राम के बगैर अब अलाउ नहीं है अंदर जाना। ये राजी क्लॉक टावर, और हम इसके ऊपर जाके नमाज अदा करेंगे, कि ऊपर से बिल्कुल सामने खाना काबा नज़र आता है। तो अपने व्यूवर्स के लिए क्लॉक टावर से खाना काबा के सामने नमाज अदा करने की वाइब आप इस व्लॉग में एक्सपीरियंस कर सकते हैं जी। बीके भाई, ये क्लॉक टावर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जी। बिल्कुल, आर्किटेक्चरल भी, रिकॉर्ड वाइज भी। सबसे बड़ी जो अहमियत है वो खाना काबा के सामने है, कोई शक वो तो सबसे टॉपर है, लेकिन अगर दुनियावी हिसाब से भी देखें तो कुछ आर्किटेक्चरल और कुछ रिकॉर्ड ये होल्ड करता है क्लॉक टावर जी। बिल्कुल, वो ये है कि दुनिया में, अभी मुझे बीके भाई बता रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ा क्लॉक टावर यही है, और सबसे बड़ा और क्या है जी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड? सर इसका और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इस कॉम्प्लेक्स की आई है। ओहो, इससे ज़्यादा किसी भी जगह की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है। और ये उसके अंदर का मंजर है क्लॉक टावर का, जिसमें इस सारे शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ अंडर वन रूफ, और इवन के रूम तो हैं ही हैं, और बाकी अपने बंदे कहाँ हैं? देर अपने लोग पूरे हो गए माशाल्लाह सारे। हाँ जी, अपने दाने पूरे कर लेने, अपने दाने सारे पूरे ने। तो सारे ना वॉक करके ये मॉल के अंदर से फिर यहाँ पर है लिफ्ट, जो कि लेके जाती है हमें ऊपर रूम्स में और इसके टॉप पे, जिनके रूम है उनको ये सस है यहाँ जिन अठार हाँ जी, लॉबी रूम की। और अच्छा, यहाँ पे लिफ्ट बहुत बदलनी पड़ती है, पहले एक लो फिर चेंज करो फिर दूसरी लो। अब हम पहुँच गए ऊपर जी फैसल भाई, यहाँ पर जो नज़ारा दिखाना है ना वो देखने वाला, तो ये नज़ारा जो यहाँ पर देखने वाला है, यहाँ पे थोड़ा आराम से बोलूँगा आज। जी हम
और ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं। वहाँ पर चूँकि नमाज का टाइम हो गया था तो हमने नमाज अदा की नीचे मस्जिद में, और वहाँ पर व्यू वो बिल्डिंग बनने की वजह से नहीं था। तो होपफुली ऐसे अब उम्मीद है कि यहाँ से व्यू हमें देखने को हमें भी और आप सबको देखने वालों को भी मिलेगा। जी भाईजान यहाँ से देखें माशाल्लाह। अच्छा यहाँ के जो रूम्स है ना, रूम्स जो फ्रंट पे है, आजकल रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए पड़े हैं, लेकिन रूम के बिल्कुल सामने ये नज़र आता है। आज मैं बाबर भाई माँ जी के साथ यहाँ पर थे तो बिल्कुल सामने फ्रंट वाले रूम थे, तो माशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं जी वापस अपने होटल। ये इस तरफ बाबा के इस तरफ ये वाइब आती है, तो ये शहर ऐसे बन गया हुआ है हमारा होटल अर्बन इनसाइड पे। तो मेरा पर्पस वीडियोस बनाने का ये है कि यहाँ की हर जगह की एक वाइब है, और वो वाइब फील करो, मैं फील कर रहा हूँ तो आप भी फील करो। अब जैसे ये क्लॉक टावर में है तो क्लॉक टावर ऐसा जितना दिखा सकता हूँ दिखाया, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से अब हमें वापस जाना है, और फिर हमने वापस दोबारा इधर आना है क्योंकि हरम में एंट्री अहराम के बगैर नहीं होती, तो वो पहन के वापस हमने आना है। तो सो गाइस ये वाइब यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वाइब में। चल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।